इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट हार्डकोर के 50 दिन जहाँ पर मेरे पास होता है सिर्फ हाफ हार्ट। यानी कि अगर मैंने ये आवाज़ भी सुन ली तो मेरे 50 दिन का दी एंड है। यानी कि अगर मेरे पास मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ऐसी रोमांचक और एडवेंचरस कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टेक्निकल गुरुजी के इंट्रो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो स्पॉन पे ही एक ऐसा हादसा हुआ जिससे भाई मैं और भी डर गया। मतलब मैंने एक सैंड तोड़ा, मेरा आसपास का पूरा सैंड टूट गया। मुझे इतना डर लगना शुरू हो गया कि भाई मेरी सीरीज खत्म ना हो जाए कहीं पर। तो मैं जल्दी से वहां से बाहर निकला। तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें स्पॉन पे ही एक विलेज मिल गया, वो भी एक ब्लैकस्मिथ के घर के साथ। इससे पता चलता है कि पूरी कायनात हमारे साथ थी, वो नहीं चाहती थी कि हम मरे कुछ भी। तो हम जल्दी से उस ब्लैकस्मिथ के घर के अंदर गए, वहाँ पर उस चेस्ट को लूटा। और उस चेस्ट में इतना ओपी लूट था ना कि मुझे एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। स्पॉन पे विलेज मिल गया ये ठीक है, पर जॉम्बी विलेज ये नहीं पता था। फिर मुझे एक डॉग मिला, मैंने सोचा इसको दोस्त बना लेते हैं, पर मेरे पास बोन नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई कभी और दोस्त बना लेंगे, पर अभी के लिए तो रहने देते हैं। फिर मैंने वुड तोड़ के क्राफ्टिंग टेबल बना दी और उससे मैंने एक आयरन स्वॉर्ड बनाई और एक शील्ड। फिर मैंने अपने वर्ल्ड की सबसे पहली जंग की एक जॉम्बी विलेजर के साथ एक बेड लेने के लिए। तो मैंने अपने वर्ल्ड की सबसे पहली नींद ली और उसके बाद जाग गया। तो भाई मेरा एम यही रहेगा कि हर रात को जल्दी से सो जाना, क्योंकि रात को मॉब स्पॉन हो जाएंगे और हमें मॉब्स को स्पॉन होने नहीं देना है। बहुत तेज हो रहे हैं। फिर मैं यूं ही ऐसे कबलस्टोन तोड़ने गया और मैंने विक्च की आवाज़ सुनी। तो मैं जस्ट उधर से जल्दी से भाग गया क्योंकि मेरा डर का लेवल इंटू 100 हो गया। तो भाई मैं काफ़ी सारा वुड तोड़ के आ गया था और मैं जो है घर बनाना शुरू कर दिया था कुछ ऐसे डर लगा लगा कर, क्योंकि मैं छोटी सी भी डैमेज मुझे मार सकती है। तो मैंने बहुत सुरक्षा के साथ घर बना गया और फिर मैं जस्ट माइनिंग करने गया और वहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ। एंडरमैन जोर जोर से चिल्लाने लगा, फिर वो एकदम से मेरे सामने आ गया। तो मैं आयरन तोड़ के जस्ट वापस जा रहा था, मैंने सोचा इधर एक और ब्लैकस्मिथ का घर है तो इसको लूटते, और अंदर खुला तो डायमंड्स थे गाइस। फिर मैं वापस जा रहा था और मुझे एक और ब्लैकस्मिथ का घर मिला, मैंने सोचा उसको भी जाके लूट लेते, और अंदर डायमंड खुला तो जाके एक और डायमंड मिला। मतलब यार इस विलेज में 3 ब्लैकस्मिथ के घर थे। फिर मैंने एक वीट का फार्म शुरू किया क्योंकि मुझे जो है चिकन्स को ब्रीड कराना था, तो इसलिए मैंने एक वीट का भी फार्म बनाया और फिर मैं चिकन्स को भी लेकर आया। फिर एपिसोड 1 के अंत में मैंने आपके साथ एक मजाक किया था जिसका रिजल्ट आपको एपिसोड 2 में मिला था। अगर आपको मेरे हाफ आर्ट के वीडियोस देखने हैं, मतलब एपिसोड्स, तो ऊपर आई पे बटन आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हो पूरी प्लेलिस्ट। उसमें मैंने हर चीज़ एक क्लैरिटी से समझाया हुआ है, जो चीज़ यहाँ पर मिस हो रही होगी वो वहाँ पर ज़रूर दिखाई देगी। तो डे 9 पे मैंने एक ज़रूरी फैसला किया कि भाई मैं इस घर को तोड़ दूंगा, क्योंकि भाई मैं घर के टिप्स वाले वीडियो बनाता हूँ। तो भाई मुझे एक अच्छा घर बनाना था, ऐसा सोचकर मैंने इस घर को पूरा तोड़ दिया था। तो अगर आपको भी घर बनाने की टिप्स चाहिए तो आई पे बटन आ रहा होगा या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके देख लो। डे 9 की रात को स्पाइडर ने आके इतना तंग किया ना पूछो मत, दिमाग ख़राब कर दिया। फिर सुबह उठते ही सीधा पहले स्पाइडर के पास गया क्योंकि उस कमीने ने मेरी रात पूरी बिगाड़ के रखी थी। तो उसको जाके शील्ड से ब्लॉक कर करके मार दिया। डे 10 से डे 16 के बीच में सामग्री कलेक्ट करना, जैसे ओक वुड, और अपने बेसिक फाउंडेशन बनाना, मतलब घर का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, और सामग्री लाना जैसे बिर्च वुड, और थोड़ी जैसे वॉल्स को बनाना बिर्च प्लैंक्स के साथ, एंड फाइनली थोड़ा जो है वॉल्स में डिज़ाइन लाना बिर्च लॉक्स के मदद से, और फाइनली थोड़ा डेकोरेशन। और डे 17 तक फाइनली हमारा घर बन के तैयार हो गया था, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था। डे 18 से 20 के बीच में हमने एक बो क्राफ्ट किया
और कोस को भी ब्रीड कराने के लिए एक छोटा सा फार्म बना लिया और उनको ब्रीड भी करा दिया और फिर थोड़ा ग्रेवल तोड़ना और फाइनली एरोस को क्राफ्ट करना ताकि मेरी सुरक्षा बढ़ सके। डे 21 को वक्त हो गया था कि हमें एक डायमंड्स ढूंढना चाहिए, तो मैं रेवाइन ढूंढने निकल पड़ा और मुझे रेवाइन मिल गई। एंड फाइनली गाइस हमको डायमंड्स मिल गए डे 23 पर। तो इतना लूट कलेक्ट हुआ है 13 डायमंड्स, तो अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। Oh shit, here we go again. डे 26 के बाद सीधा सबसे पहले मैंने अपने बेस के आसपास पूरा फेंसिंग कर दिया ताकि मेरा जो है बेस पूरा मॉफ प्रूफ हो जाए। और शुगर केन फार्म बनाना भी शुरू किया मैंने कुछ ऐसे वाटर रख के, और फिर मैं शुगर केन लेकर यहाँ पर रख दिया और फिर थोड़े चिकन्स के साथ मस्ती की, चिकन्स को बढ़ाया। फिर ज़्यादा संख्या होने के कारण मुझे थैनोस बनना पड़ा, इन चिकन्स को एक एक करके मार दिया। फिर मुझे पता चला कि मेरे घर के पीछे एक स्क्रूस का भी बायोम है, तो मैं ट्री तोड़ने चला गया। फिर मैं लेक के पास यूं ही गया, मैंने सोचा सैंड तोड़ के आते हैं, तो मैंने एक ड्रोंड को देखा वो भी ट्राइडेंट के साथ, मतलब अगर मैंने शील्ड भी रखी होती तो भी मैं मर जाता, तो बच गया यहाँ पर। फिर मैंने सोचा ठीक है अभी चले जाते हैं, पर अंदर जा रहा था और मुझे एक और ड्रोन दिखा, मतलब मेरी मरते मरते मैं बच गया। फिर मैंने उसको भी मार दिया और फिर मारने के बाद मुझे एक ट्राइडेंट भी लगा इस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मतलब बेडरॉक में ट्राइडेंट मिलना इतना आसान है ना, जावा में वो फार्म्स बनाते तो भी नहीं मिलता है, पर मुझे ऐसे ही मिल गया ट्राइडेंट, मतलब बेडरॉक के कई फायदे भी है। और फिर भाई मैं ऐसे ही ओक लॉक्स तोड़ने के लिए ऐसे विलेज के पास गया था, फिर मैं वापस आ रहा था तो मुझे एकदम आई एम लेजेंड वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब वो फिल्म में क्या होता है मॉन्स्टर जो है शाम को आते थे, दिन के टाइम में वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उनके शरीर जल जाता था, तो शाम को ही सिर्फ आ सकते थे, तो मुझे भी शाम से पहले सोना पड़ता है। और फिर मैंने जो है आलू को उगा उगा कर काफ़ी सारे उगा लिए और फिर मैं कंपोस्टर में लगा कर ऐसे बोन मील बनाने लगा। और फिर मैंने सोचा भाई इंटीरियर को कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने घर के इंटीरियर को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। और फाइनली मैंने अपना जो है नीचे का फ्लोर भर दिया था, तो सबसे भाई मैंने ये मेन चीज़ ये बनाई चेस्ट रूम। चेस्ट रूम की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि सामान बहुत हो गया था और मुझे सेपरेट करने के लिए चेस्ट भी चाहिए थे, तो चेस्ट रूम बना लिया। फिर मेरे पास सामग्री था तो मैंने एन्चेंटिंग टेबल बना दिया। फिर मैंने अपने लिए एक डायमंड की स्वॉर्ड भी बना ली और फिर एक डायमंड लेगिंग्स। फिर मैंने अपनी मैथ्स और क्वांटम फिजिक्स को कंबाइन करके इतना दिमाग चलाया कि मैंने कंक्रीट पाउडर फाइनली बना ही लिया। और फिर एक जॉम्बी को मारा तो दोनों ही मर गए, एक तीर से दो निशाने। और फिर एक क्रीपर को भी मारा जो मेरे फार्म में बैठा हुआ था, उसको भी मार दिया। और फिर मैं रिवाइन में चला गया ताकि आयरन तोड़ सकूँ और काफ़ी सारा आयरन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक ज़बरदस्त MLG मारी, जो हार्डकोर से ज़्यादा जो है हाफ आर्ट में MLG करने का मज़ा है ना, वो हार्डकोर में नहीं है, इसके मज़े अलग ही हैं। हार्डकोर में थोड़ा रिस्क होता है पर यहाँ पर पूरा रिस्क होता है, तुम मर जाओगे अगर तुम मिस हुए तो। फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं आयरन तोड़ रहा था और मैंने देखा कि रात हो गई और मेरे पास बेड ही नहीं था। फिर मैं पूरा दिमाग चकराने लग गया अभी क्या करूँगा क्या करूँगा। फिर सबसे पहले वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश की ताकि मैं घर तक पहुँच सकूँ। फिर मैं स्केल्टन से एंडरमैन से सबसे बच बच कर फाइनली घर तक मुश्किल से पहुँच पाया, काफ़ी सारे क्रीपर्स और स्केल्टन्स का सामना करना पड़ा बीच बीच में, उनसे बच बच कर
मैं फाइनली घर पे पहुंच ही गया। फिर कुछ मिल नहीं रहा था टाइम पास करने के लिए, तो मैंने भाई ऐसे ही वाटर बकेट ट्रिक मार दी। फिर मैं एक खास चीज़ के लिए सामग्री कलेक्ट करना शुरू कर दिया। कब्रिस्टोन 3 स्टैक तोड़ के आया करीब, और उनके स्टोन ब्रिक्स जो हैं ब्लॉक्स होते हैं वो उनका बनाया, और फिर अपने फार्म बनाना शुरू कर दिया। फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने सबसे बड़ी चीज़ बनाई है फिशिंग फार्म। फिशिंग फार्म बहुत ही मस्त है, क्योंकि आपको जस्ट फिश पे क्लिक करते रहना और आपको ओपी लूट मिलेगा। अगर आपके फिशिंग रॉड पे एन्चेंटमेंट से तो और भी सुपर सामान मिलेगा। वैसे अगर आपको इस फिशिंग फार्म का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो उस वीडियो। हमने एक एंडरमैन के साथ जानबूझ के पंगे लिए, क्योंकि यार मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, रिस्क लेने का तो मज़ा ही अलग है। तो एंडरमैन को मारने लगा, फिर मुझे एक एंडरपर्ल भी मिला, और फिर गायों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मुझे अपने अंदर के थैनोस को बुलाना पड़ा और उनकी आधी संख्या को मारना पड़ा। मैं काफ़ी लंबी माइनिंग पे गया था, करीब 2-3 दिन के लिए, और कंटिन्यूसली माइनिंग करता रहा हूँ, और फाइनली मुझे 41 आयरन और मिले हैं। अभी इनको स्मेल्टिंग पे रख देते हैं, शाम भी होने वाली है, और मैंने नेदर पोर्टल को भी लिट कर दिया है। अगर आपको पता नहीं होगा तो भाई हमने क्राफ्ट केक भी क्राफ्ट किया था ऑन 50 डेज सेलिब्रेशन, और हमने इसके लिए एक स्पेशल टेबल भी बनाया था, उसके ऊपर हमने केक रखा था, और हमने अपने 50 डेज को सेलिब्रेट भी किया था। हमने उसको खाया पर क्या पता क्यों उसको मूड नहीं था खाने को। तो हमने पूरी 50 डेज सर्वाइव कर लिया है हाफ के हार्ट के साथ। तो पिक्चर अभी बाकी है वीडू, अभी भी 50 डेज सर्वाइव करना बाकी है, और उन 50 डेज में तो और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं नेदर, उधर से ब्लेजर्स लाएंगे और एंडर ड्रैगन को भी मारना है। तो क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो रिकमेंड हो सके। वैसे हमारा एक और 100 डेज का वीडियो आई पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। और 100 डेज का वीडियो बनाना है आपको तो आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, हमारे चैनल पर हैं, वो भी आए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यार ये कब से ढोल बज रहा है, अरे बंद करो भाई। Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna